वेलकम बैक दर्शकों, वेलकम बैक दर्शक लोग, वेलकम बैक व्यूअर्स अगेन विद अनदर वीडियो। और आज मैंने सोचा थोड़ा सा मोटर ब्लॉग कर लेते हैं। से हाय शिवम, से हाय, से हाय, अबे हाय बोलो। वेलकम टू माई मोटो व्लॉग एंड दिस इज गोना बी अ प्योर मोटो व्लॉग। आई वोंट बी शोइंग माई फेस एट ऑल। मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाने के लिए जा रहा था। मेरा मन था आज एक वीडियो बनाने का, एक बाइक पे, दो बाइक्स पे एक्चुअली, नहीं तीन बाइक्स पे, एक्सट्रीम 160R जिसपे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका कंपेरिजन करना था मुझे आपकी NS160 के साथ एंड एक्सपल्स जो है आपकी BS6 उस पर वीडियो बनाना था। तो खैर वो तो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो अभी मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बना लेते हैं, अपना मोटो व्लॉग सेटअप का थोड़ा सा यूज़ करते हैं, नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। एंड अभी वी आर ऑन आर वे टू BR होंडा विच इज़ इन हज़रतगंज, तो वहाँ हम जाएंगे। और ग्राजिया BS6 अगर हुई, होपफुली हमें मिल गई चलाने के लिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो आई वॉज planning some modifications for my Entorq and also the Aprilia Storm, जो कि हम touring पर हमें काम आएंगी। तो modifications basically ये हैं कि as you know कि scooter पर आपके जो mobile holders जो अच्छी quality के आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो एक pipe, एक cylindrical shape की किसी चीज़ पर tight हो सकें, और scooter के लिए उतनी अच्छी quality के नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें कोई पाइप नहीं है जहाँ पे वो टाइट हो। हैंडल बार, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार पाइप जो होता है, तो बाइक्स में होता है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का फ़ोन माउंट जो है वो बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो हद से ज़्यादा महंगे होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मोटोफॉक्स का पसंद आया था मोबाइल होल्डर, और वो इस पर फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पर जो फिट होने वाले होते हैं वो यहाँ पर किसी तरह लग के फिट होते हैं, जो आपका साइड मिरर होता है, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट फॉर माई Entorq। तो मैंने क्या सोचा है, मैं रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर का एक हैंडल बार पर अगर देखोगे एक अलग से एक पीस लगा होता है इतना बड़ा हैंडल बार पर, तो मैं वो लूँगा और उसको समाओ यहाँ से यहाँ तक के लिए वेल्ड कराऊँगा ऐसे निकल के ऐसे, और फिर इस तरह से वो बनेगा कि उसके ऊपर मेरे मिरर्स अलग से टाइट हो सकें। ये स्विच भी वहीं पर लग जाएगा, जो दो ऑक्सिलरी लैंप्स हैं वो भी वहीं पे लग जाएंगी, एंड जो मोबाइल होल्डर होगा वो भी उसके ऊपर ही लग जाएगा। सो बेसिकली सब कुछ सॉर्टेड है। ओह माय गॉड, यहाँ से चलते हैं। तो बेसिकली सब कुछ सॉर्टेड है। तो ये तो हो गया पहला मॉडिफिकेशन, हैंडल बार पे एक अलग से बार लगाने का, और वील ट्राई टू कीप इट एज क्लीन एज पॉसिबल। हम अपनी होंडा एविएटर पे पहले उसको ट्राई आउट कर लेंगे कि कितना ख़र्चा आ रहा है, और जो कुछ भी ट्राई करना होगा वो सब हो जाएगा, तो जो गलतियाँ होंगी वो उसी पे होंगी, और होपफुली इस पर क्लीन सेटअप होगा इस पर और प्रीलिया स्टॉर्म पे। मैंने शिवम से डिस्कस करा था और वो काफ़ी इंप्रेस हुआ इस आइडिया से। उसने कहा भाई ये तो काफ़ी चीज़ काम आने वाली है, मैंने कहा ऑब्वियसली। फिर एक टॉप रैक हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अप्रिलिया स्टॉर्म के लिए टॉप रैक आता है जिसके ऊपर हम अपना टेल बैग माउंट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा प्लान ये है कि हम एक हाइब्रिड टेल बैग लेंगे जिसमें छोटे छोटे सैडल बैग्स भी होते हैं, वो ऑलरेडी मतलब उसका शेप ही ऐसा होता है। गार्डन गियर का मैंने देखा था, राइनॉक्स का देखा था हाइब्रिड टेल बैग, 55 या 70 लीटर के होते हैं, मैं श्योर नहीं। तो वो हम लगाएंगे अपनी Entorq और Aprilia Storm में, और जैसे अगर हम कभी लॉन्ग टूर पे गए 10-15 दिन के, क्योंकि इस पे जाना मतलब कि एक 10 दिन का टूर जो आप एक बाइक पे करोगे वो इस पे हो जाएगा 13-14 दिन का, तो ये सीन है। तो ज़्यादा कपड़े ऑफ कोर्स कैरी करने पड़ेंगे, सामान ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा। तो अगर हमने टेल बैग यहाँ पर माउंट कर दिया तो विल नॉट हैव मच स्पेस लेफ्ट। तो एक टॉप रैक हम लोगों को सस्ता जुगाड़ करना पड़ेगा, एक डिटैचबल रिमूवेबल टॉप रैक जिसके ऊपर हम अपना टेल बैग माउंट कर सकेंगे अच्छे से। और फिर सीट पे हम बैकपैक, अपना जो
बड़ा सा ट्रैवल बैकपैक होता है, एडवेंचर बैकपैक बड़ा वाला फुल साइज़ का, वो हम यहाँ पे माउंट कर देंगे और एक बैग हम पहन लेंगे। और बाकी जो फ्यूल कैन होता है वो हम आगे रखेंगे, एक एक्स्ट्रा 5 लीटर का फ्यूल दोनों गाड़ियों पे कैरी करेंगे हम लोग, ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है। फिर अब आप सोच रहे होगे ये तो चलिए मॉडिफिकेशन हो गया, सेकंड नंबर मॉडिफिकेशन हो गया, सेकंड मॉडिफिकेशन फॉर एंटॉर्क एंड एप्रिलिया टूरिंग के लिए। उसके बाद अब आप सोचोगे भाई जब तुम यहाँ पे कैन रख लोगे तो वेर आर यू गोना कीप योर लेग्स, क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्लेस वेर यू कैन कीप योर लेग ऑन अ स्कूटर। सो यस, एंड शायद मैं इस बारे में आपको बता भी चुका हूँ, मैंने बैरल एग्जॉस्ट एक ब्रांड है उनसे मैंने बैरल के क्रूज पैक्स मंगा लिए हैं, जो बेसिकली दो स्क्रूज पे यहाँ पे टाइट हो जाते हैं, वो कुछ ऐसा सेटअप होता है कि इट्स लाइक अ बार हेयर और यहाँ पे फुट पैक निकला होगा, तो वो आपके यहाँ पे टाइट हो जाएंगे दो और फुट पैक आपका यहाँ पे ऐसे साइड में ऐसे निकला रहेगा, तो वेयर यू कैन कीप योर लेग्स लाइक दिस। तो क्रूज पैक्स नाम है उनका, और वो इसके लिए नहीं आते हैं, वो उसके लिए आते हैं एप्रिलिया के लिए, क्योंकि उसके वहाँ पे आपने देखा होगा दो ऐसे स्क्रूज टाइट करने के लिए दिया गया है स्पेस जिसके ऊपर आपका मैट टाइट होता है। बट एंटॉर्क में इट विल कॉस्ट मी 2 होल्स ऑन द फुटबोर्ड, तो मैं मैनेज कर लूँगा क्योंकि वर्थ है, और गाड़ी गिरेगी तो वो प्रोटेक्ट भी करेंगे। आई एम गेटिंग अ वेरी गुड डील, एंड बैरल एग्जॉस्ट जो है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाता है। एक्चुअली इंटरसेप्टर 650 के लिए काफ़ी एग्जॉस्ट आते हैं, AEW, रेड रूस्टर एंड आपका गुरसेवक आता है, SS मोटो के आते हैं, बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ द बैरल एटम। बैरल एग्जॉस्ट ऐसा ब्रांड भी मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इनके सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, काफ़ी डिफरेंट इनके आइडियाज़ रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रूज पैक्स फॉर एप्रिलिया फॉर स्कूटर, तो स्कूटर के लिए उन्होंने एग्जॉस्ट भी बनाया था और स्कूटर के लिए उन्होंने एक फुट पैक भी बनाया, टूरिंग फुट पैक। तो काफ़ी आप देख रहे हो काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ रहते हैं, और हमारे जैसे लोगों के लिए जो स्कूटर पे ही अपना कम्यूटिंग अपनी टूरिंग अपना यू नो सारा मज़ा स्कूटर पे ही लेते हैं, तो उनके लिए ये एक बून है मैं बोल सकता हूँ कि हमारे लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और तो आई एम ग्लैड वी हैव अ ब्रांड लाइक बैरल। महानगर में हूँ मैं, सिग्नल पर रुका हुआ हूँ, यहाँ से विल बी टेकिंग राइट, हाँ से विल बी टेकिंग राइट हज़रतगंज जाने के लिए। सो दिस वॉज दी मॉडिफिकेशन नंबर 3, एंड मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं क्या करूँगा इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता हूँ। और शायद मैं यहाँ पे बार एंड मिरर्स लगा लूँ अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि यहाँ पे मिरर्स नहीं है, एंड आई लाइक टू कीप दिस प्लेस अ बिट एम्प्टी, क्योंकि मिरर्स के साथ वो बड़ा यू नो काफ़ी अजीब सा लग जाता है, भरा भरा लगने लगता है, तो मैं शायद यहाँ पे बार एंड मिरर्स लगा लूँगा। उसके बाद मैं और कुछ इसमें करने वाला तो खैर ख़ास है नहीं, बाकी गाड़ी तो मेरी रेडी टू रोल रेडी टू गो हमेशा रहती है। हाँ, और शायद हेलमेट इंटरकॉम भी ले लूँगा मैं और शिवम, और जब भी ट्रिप पे जाएंगे तो पहले तो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, पहले तो शायद हम नैनीताल और उसके ऊपर कहीं पर जाएँगे, नैनीताल से 150 किलोमीटर और, तो पहले तो हम लोग वो करेंगे जिस पर कि सिर्फ मैं और शिवम ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं आई गेस, और इतना तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ही कि पहली बार में नैनीताल में हम लोग सुकून से गाड़ी चला लें। तो हम दोनों ही जाएंगे, अभी हम दोनों का तो श्योर है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, घर पे भी बात हो गई है, और ध्रुव का मुझे पता नहीं है, मुझे 90% ऐसा लगता है कि ध्रुव नहीं जाएगा। एंड मोमेंट पे जो होता नहीं है कि सबसे एक्साइटेड बंदा होता है और वो मना कर देता है कि भाई मैंने जो अपन को ऐसा सीन है, तो वही सीन है ध्रुव का, मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे, बट ठीक है ख्याली पुलाव पका लेना तो भाई को। बाय द वे ध्रुव ने एक गाड़ी ली है और उसका डिलीवरी का वीडियो काफ़ी इनोवेटिव तरीके से मैंने बनाया था, जो कि मेरे चैनल पर लाइव आ चुका है, एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, आप लोग इन्जॉय करें। वी आर इन निशादगंज करेंटली, तो काफ़ी बिजी मार्केट रहता है ये, बट अभी जैसा कि आप देख सकते हो इट्स नॉट सो बिजी, काफ़ी खाली है, यहाँ पे जाम लगता रहता है हर वक्त। अबे निशादगंज है भाई, ये हज़रतगंज आ रहे हैं, अरे फैंसी फैंसी मास्क भी मिल रहे हैं भाई, मतलब हर चीज़ में डिज़ाइन,
मैंने एक मीम देखा था कहीं पे कि हम लोगों को कोरोना को भगाना है, इम्प्रेस नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, सो ऑलराइट दर्शकों, आई गेस आई क्लोज द वीडियो नाउ। एंड ये वही सुजुकी का शोरूम है जहाँ पे हमने बगमैन की टेस्ट राइड ली थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है बगमैन की वीडियो पे भी। सो लेट्स क्लोज द वीडियो नाउ, बाय बाय।